रक्षाबंधन के अवसर पर सभी भाइयों बहनों को मेरी शुभकामनाएं हैं और ये एक पवित्र त्योहार है जो भाई और बहन के स्नेहपूर्ण रिश्तों को और सुदृढ़ करता है। आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम लोगों ने एक परंपरा शुरू की है वृक्ष को राखी बांधने का। तो जैसे जो रक्षाबंधन है इसका मतलब है कि भाई का दायित्व तो है बहन की रक्षा करे और बहन भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। उसी तरह से रक्षाबंधन के दिन वृक्ष को राखी बांधने के पीछे विचार यही है, उसका आशय यही है कि हम वृक्ष की रक्षा करें। जब हम पेड़ की रक्षा करेंगे तो वह पेड़ हमारे पर्यावरण को दुरुस्त रखता है। हम लोगों ने हरियाली मिशन के माध्यम से बिहार में वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। 24 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे ताकि हमारे बिहार का वृक्ष आच्छादन 15% पहुंच जाए। और हम लोगों को खुशी है कि 2013 के अंत के करीब में आंकड़े आए भारत सरकार के द्वारा, ये प्रकाशित होते हैं और उसके हिसाब से बिहार का वृक्ष आच्छादन 12.86% हो चुका। अभी जो औसतन जो वर्षापात है वो औसत से थोड़ा कम है, उतना ज़्यादा अंतर नहीं बचा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार से स्प्रेड होता है पूरे 3 महीने में वर्षा जितनी होनी चाहिए, जिस प्रकार से लगातार और बार बार वर्षा होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही, तो हम लोगों ने महसूस किया कि इसका एक बड़ा कारण है पर्यावरण का असंतुलन। इसलिए हम अपने बिहार को जितना हरा भरा बनाए उतना बेहतर, और इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने हरियाली मिशन के माध्यम से वृक्ष आच्छादन का प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम किया है, उसमें सफलता मिल रही है। और हम सब लोगों से अपील करेंगे कि आज के दिन जो पेड़ को राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत की है वह करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।